शांति। आज 24 अप्रैल 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली की महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं, सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है, गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर है, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे, खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है, बच्चे समझते हैं, हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं, अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है, जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी, वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे, फूल नहीं तो कली बनाएंगे, पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते हैं, फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए, सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है, यह भी समझते हैं। हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहाँ युग बदलता है परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो दो कला कम होती हैं, यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं, परवानों में भी नंबर वार हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहा श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं,
श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उन्होंने पूछो, तुम किस धर्म के हो? तो कहते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। अरे, तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या? यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे, अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं, क्योंकि वह पावन हैं, समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं, अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरी फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो, ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल हैं, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो। देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चे को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं, हे भगवान, बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं, श्रीमत पर चलो,
आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे, बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती हैं, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहा हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब समझो, कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसके जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है, तुम जानते हो। हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा। हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए। मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ, वह ऐसा सन्यास करा न सकें। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का हठयोग सन्यास तो मनुष्य
मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस भाई यानी आत्मा को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं यानी बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं, हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे, हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे? तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे, हम आत्माएं ब्रदर से बात करते हैं। बाप कहते हैं, हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है, बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, न कि शरीर से। भल फीमेल हैं, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देख कर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऐटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है ही मन मना भव। बाप को याद करो। भल कहते तो सब हैं, भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को वा किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो, लिखा हुआ भी है। नींद को जीतने वाला बनो, रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा, आत्मा यानी भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, यह अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है ऊंच गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। आज का वरदान है एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। विश्लेषण है जो बच्चे हिम्मत रख कर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है, इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो। अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अच्छा, ओम शांति।